हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉन्ड्स के मॉइस्चराइज़र का रिव्यू। मेरे पास यहाँ पे पॉन्ड्स के दोनों वेरिएंट्स हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा वाला ट्राई करूँ, और मैं लिटरली दोनों में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि जो रिव्यूज़ मैं यूट्यूब पे देख रही थी उसमें कोई कह रहा है कि जेल वाला बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है क्रीम बेस वाला अच्छा है। तो मैंने दोनों वेरियंट्स यहाँ पर परचेज कर लिए हैं, सो दैट मैं खुद से समझ सकूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और मेरे व्यूवर्स को मैं दोनों का इन डेप्थ रिव्यू भी फटाफट से दे सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से दोनों के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसमें आपको क्या क्लेम्स है और क्या ये पूरा कर रहा है या नहीं, बिकॉज मैंने इसे काफ़ी समय तक यूज़ कर लिया है और अभी मैं ये वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो होगा पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र, नॉन ऑयली फ्रेश फील विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन वाला का, और ये यहाँ पे तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है। 75 ml वाला 115 rupees में मिलता है, 150 वाला 200 rupees में मिलता है, और 250 ml वाला आपको 250 rupees में मिलता है। मैंने सबसे छोटा वाला लिया, यानी 75 ml वाला लिया, जो कि मुझे 115 rupees चार्ज किया। ये दोनों के दोनों मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप सूटेबल है और ऑल सीजन आप इसे वेयर कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये लाइट वेट है, नॉन ऑयली फार्मूला है। इसमें 80% जो है वो वाटर बेस्ड ये क्रीम प्रोडक्ट है, तो ये आपको हाइड्रेशन देता है, 24 आवर का मॉइस्चर लॉक देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश बनाता है फॉर ऑल डे लॉन्ग, और स्किन में डीप आपको मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अभी तक मैंने ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया जो डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ईजियर एप्लीकेशन हो जाता है, मेकअप भी बहुत आसानी से आपके स्किन पर ग्लाइड करता है इस वाले वेरियंट को लगाने से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंड वेरियंट की, जो कि है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। तो नाम से समझ में आ गया होगा वो क्रीम बेस था, ये जेल बेस है। इसमें आपको सिर्फ दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 73 grams, इसमें 149 का वो ये मिलता है, यही मेरे पास है, और सेकंड है 147 ग्राम, 299 का है। ये भी ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, ऑल सीजन आप इसे वेयर कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है रेगुलर अदर क्रीम से। ये 24 आवर का हाइड्रेशन देता है, बिकॉज ये वाटर बेस है, ये हाइलोरोनिक एसिड है इसमें। हाइलोरोनिक एसिड हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर देता है, और हमारे स्किन में जो वाटर है उसको बैलेंस बना के रखता है, कि हमारी स्किन जो है ड्राई फ्लेकी आफ्टर कुछ देर बाद हमारी स्किन जो है वो डल ना हो जाए, ये चीज़ को मेंटेन करता है। तो ये आप बोल सकते हैं मॉइस्चर बूस्टिंग हाइलोरोनिक एसिड जिसमें पाया जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये एक परफेक्ट ड्यूप है न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट जेल एंड क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज। तो यही दोनों वेरिएंट्स मेरे पास हैं, और मुझे पर्सनली दोनों के दोनों वेरिएंट्स बहुत अच्छे लगे। अगर मुझे सिर्फ स्किन केयर करना है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, तो मैं जेल वाला अप्लाई करती हूँ, और अगर मुझे मेकअप करना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये क्रीम वाला अप्लाई करूँ, बिकॉज ये मेरे स्किन के लिए परफेक्ट, और मेकअप भी बहुत अच्छा से अप्लाई होता है इस पर। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।